फैक्ट्री के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन सालाना बोनस ना मिलने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन की जानिब से अनम रोड को ब्लॉक कर दिया गया और एहतजाज जारी है। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं कि फिरोजपुर रोड के करीब निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए हैं। निजी फैक्ट्री के जो मुलाजमीन हैं वो सालाना जो बोनस है उनको ना मिलने पर वो एहतजाज कर रहे हैं और रोड को ब्लॉक कर दिया है। मुलाजमीन की जानिब से अनम रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और उनका एहतजाज भी जारी है। ये आप मनाजर देख सकते हैं टीवी, आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं। बता रहे हैं कि फिरोजपुर रोड के करीब निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए हैं। निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन सालाना बोनस ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन की जानिब से अनम रोड को ब्लॉक कर दिया गया और एहतजाज भी जारी है। आपको बता रहे हैं कि निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन के बारे में कि सड़कों पर आ गए हैं। निजी फैक्ट्री के जो मुलाजमीन हैं वो सालाना बोनस ना मिलने पर भी सरापा एहतजाज हैं और मुलाजमीन की इस और एहतजाज भी जारी है। मुलाहिजा कर सकते हैं आप टीवी टुडे की स्क्रीन पर। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं कि लाहौर में फिरोजपुर रोड के करीब निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहराज निसार। जी शहराज निसार, बताइएगा कि लाहौर में फिरोजपुर रोड के करीब ये जो निजी फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं ये सड़कों पर आ गए हैं कि क्या मामला है? ये फिरोजपुर रोड पर अनम रोड है जहां पर सैकड़ों मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि 2019 का भी हमें सालाना बोनस नहीं दिया गया और अब ईद के मौका पर जो हमें वादा किया गया था कि 2020 का बोनस और 19 का भी आपको साथ मिलाकर देंगे, लेकिन दोनों बोनस नहीं दिए गए और ना ही हमें कोई ईद ताकि दिया गया है। वादा किया गया था कि 26 रमजान तक जो है वो आपको दिया जाएगा, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि बोनस जो है वो नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो सैकड़ों मुलाजमी है वो इस रोड के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और मालकान जो है वो उनकी कोई भी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस पर डीएजी ऑपरेशन जो है वो खुद मौका पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि आप रोड जो है वो क्लियर कर दें तो मालकान से जो है वो फैक्ट्री में जाकर आप बात कर लें, लेकिन उनका ये कहना है कि वजीर अला पंजाब जब तक हमारी बात ना सुनेंगे और हमें बोनस ना दिलवाएंगे हम एहतजाज जारी रखेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं, उस पर हमको शहराज निसार ने भी तफसीलात के साथ अपडेट किया। वो यही कह रहे थे कि करीब निजी फैक्ट्री के जो मुलाजमीन हैं फिरोजपुर पर उनका एहतजाज जारी है क्योंकि उनको बोनस सालाना जो बोनस होता है वो नहीं दिया गया।